हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड का 21वां अध्याय, पार्वती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि नारद, जब तुम पंचाक्षार मंत्र का उपदेश देकर उनके घर से चले आए तो देवी पार्वती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने का साधन मिल गया था। वे जान गई थी कि त्रिलोकनाथ भगवान शिव को सिर्फ उनकी तपस्या करके ही जीता जा सकता है। तब मन ही मन तपस्या करने का निश्चय करके पार्वती अपने पिता हिमराज और माता मैना से बोली कि मैं शिव जी की तपस्या करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही मेरे शरीर, स्वरूप, जन्म एवं वंश आदि की कृत्या होगी, इसीलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा प्रदान करें। उनकी तप करने की बात सुनकर पिता हिमालय ने सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी, परंतु माता मैना ने उन्हें घर से दूर वनों में जाकर तपस्या करने से रोका। पार्वती को रोकते हुए मैना के मुख से उमा शब्द निकले, तभी से उनका नाम उमा हो गया। पार्वती के हट के सामने मैना कुछ न कर सकी, तब खुशी से उन्होंने पार्वती को तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। तत्पश्चात माता पिता की आज्ञा पाकर देवी पार्वती खुशी से मन में शिवजी का स्मरण करते हुए अपनी सखियों के साथ लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। रास्ते में पार्वती ने सुंदर वस्त्रों का त्याग कर दिया था और मृग चर्म को धारण कर लिया। उत्तम वस्त्रों का त्याग करने के उपरांत देवी गंगोत्री नामक तीर्थ की ओर चल दी, जिस स्थान पर भगवान शिव ने घोर तपस्या की थी और जहाँ शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। वह स्थान गंगावत्रण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर देवी पार्वती ने तप करने का निश्चय किया। गौरी के यहाँ तपस्या करने से ही यह पर्वत गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध है। उस स्थान पर पार्वती ने अनेक फलों के वृक्ष लगाए। तत्पश्चात पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तपस्या करना आरंभ कर दी। ऐसी तपस्या ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। भयंकर गर्मी में दिनों में पार्वती अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। वर्षा ऋतु में वे किसी चट्टान पर अथवा वेदी पर बैठकर निरंतर जलधारा से भीगती हुई शांत भाव से मंत्र जपती रहती थी। सर्दियों में बिना कुछ खाए ठंडे जल में बैठकर पंचाक्षार मंत्र का जाप करती थी। कभी कभी तो वे पूरी रात बर्फ की चट्टान पर बैठकर ध्यान करती थी। सब कुछ भूलकर वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न होकर उनका ध्यान करती रहती थी। समय मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों को पानी देती थी। शुद्ध हृदय वाली पार्वती आंधी तूफान, कड़ाके की सर्दी, मूसलाधार वर्षा तथा तेज धूप की परवाह किए बगैर निरंतर मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती रहती थी। उन पर अनेक प्रकार के कष्ट आए, परंतु उनका मन शिवजी के चरणों में ही लगा रहा। तपस्या के पहले वर्ष में उन्होंने केवल फल आहार किया, दूसरे वर्ष में केवल पेड़ के पत्तों को ही खाती थी। इस प्रकार तपस्या करते करते अनेकाएक वर्ष बीतते गए। देवी पार्वती ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। अब वे केवल निराहार रहकर ही शिवजी की आराधना करती थी। तब भोजन हेतु पर्ण का भी त्याग कर देने के कारण देवताओं ने उन्हें अपर्णा नाम दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती एक पैर पर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उनके शरीर पर वक्वक्ल वस्त्र थे तथा मस्तक पर जटाएं थी। इस प्रकार उस तपोवन में भगवान शिव की तपस्या करते करते 3000 वर्ष बीत गए। 3000 वर्ष बीत जाने पर देवी पार्वती को चिंता सताने लगी। वे सोचने लगी कि क्या इस समय महादेव जी यहाँ नहीं जानते कि मैं उनके लिए ही तपस्या कर रही हूँ। फिर क्या कारण है कि वे मेरे पास अभी तक नहीं आए। वेदों की महिमा तो यही कहती है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सब कुछ जानने वाले, सभी ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले, सबके मन की बातें सुनने वाले, मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले तथा समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं। तब क्यों वे अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दिन को कृतार्थ नहीं करते। मैंने अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाया है।
भगवान, यदि मैंने पंचाक्षर मंत्र का भक्ति पूर्वक जाप किया है तो महादेव जी आप मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार हर समय पार्वती शिव जी के चरणों के ध्यान में ही मग्न रहती थी। जगदम्बा माँ का साक्षात अवतार देवी पार्वती की वह तपस्या परम आश्चर्यजनक थी। उनकी तपस्या सभी को मुग्ध कर देने वाली थी। उनके तप की महिमा के फलस्वरूप प्राणी और जानवर उनके ध्यान में बाधा नहीं बनते थे। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप वहाँ का वातावरण बड़ा मनोरम हो गया था। वृक्ष सदा फलों से लदे रहते थे। विभिन्न प्रकार के सुंदर सुगंधित फूल हर समय वहाँ खिले रहते थे। वह स्थान कैलाश पर्वत की भी शोभा पा रहा था तथा पार्वती की तपस्या की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। ओम नमः शिवाय।